कहा जाता है कि जिसने महाराष्ट्र के जलगांव में वाहन चला लिया वो पूरी दुनिया में कहीं भी वाहन चला सकता है। और ये लोग बड़ाई के लिए नहीं कहते बल्कि जलगांव के लोगों के वाहन चलाने के तरीके को देखकर कहते हैं। यहाँ रिक्शे वाले तो हाथ के इशारे की जगह पैर बाहर निकालकर साइड का इशारा देते हैं। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जिसका जैसा मन करे वैसा वाहन ये यहाँ चलाता है। अभी हाल ही में गणपति के समय स्वयं SP ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पार्किंग की अवस्था देखी और ट्रैफिक विभाग को नियंत्रण का आदेश दिया। नागरिकांच्या बऱ्याच तक्रारी यायला लागल्या की हा जो MG रोड आहे, टावर चौकाकडे जाणारा रस्ता आहे, त्याच्यात टू व्हीलर आणि रिक्षा या आणि फोर व्हीलर अगदी रोडला कडेला पार्किंग करतात, त्याच्यामुळे खूप कमी रोड लोकांना वापरायसाठी राहतो, त्याच्यामुळे खूप ट्रॅफिक जाम होते। लहान मुलं, शाळेत जाणारे मुलं किंवा इतर वाहनधारक यांना खूप अडथळा होतो। नागरिकांच्या खूप तक्रारी आल्यामुळे आता आम्ही पहिले 8 दिवस आम्ही जीप फिरून सगळ्यांचं प्रबोधन केलं की तुम्ही पिवळ्या पट्ट्याच्या आत गाड्या लावा, पण तरी त्यात सुधारणा न झाल्याने आजपासून आम्ही कडक कारवाई चालू केली। इसी के मद्देनजर पुलिस इंस्पेक्टर भामरे के मार्गदर्शन में ट्रैफिक विभाग ने गोलानी मार्केट से टावर चौक पर कार्यवाही की और भी अन्य जगहों पर वाहनों में जैमर लगाए। कुल मिलाकर खबर लिखे जाने तक 104 वाहन धारकों को दंडित किया गया था, ऐसी जानकारी ट्रैफिक विभाग ने दी है। अगर इसी तरह ट्रैफिक विभाग अपने कार्य ईमानदारी से करे तो शायद वाहन धारक सुधर ही जाएंगे और पार्किंग से संबंधित समस्या भी खत्म हो जाएगी।